उत्तराखंड के रानीखेत में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के नियमों का पालन करते हुए आतंकवादियों पर काबू पाने के लिए भारत और अमेरिकी फौजियों ने अभ्यास किया। यह अभ्यास लगातार जारी है। रानीखेत के घिंगरीखाल चेक पोस्ट में सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी कि तलाश कर खत्म करने का अभियान किया गया। यहां पर दोनों देश के सैनिकों ने जंगल में छापा मारकर आतंकवादियों पर काबू पाने की प्रैक्टिस भी की। इंडो यूएस आर्मी की आतंकवादी विरोधी एक्सरसाइज 2018 के तहत 16 सितंबर से 29 सितंबर तक पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाले इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 350 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये 14वां संस्करण चल रहा है। ये सभी सैनिक आतंकवाद से निपटने और उसके लिए प्रशिक्षित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ इन्हें न केवल आधुनिक अमेरिकी हथियारों के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि अमेरिकी सैनिकों को सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय फौज के हौसले और अदम्य साहस से भी रूबरू करवाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के सैनिक कैसे अपने अपने हथियारों से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उपलेती की रिपोर्ट।